एशियन गेम्स में भारत अपने 100 पदकों के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि भारत ने आज महिलाओं के तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल की जोड़ी ने भी मिक्स डबल्स में स्क्वैश में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। कैसे मिली ये दोनों जीत, कैसे बने दोनों चैंपियन, आज ये बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन गेम्स में गुरुवार को भी भारत ने सुबह से ही बेहतर प्रदर्शन अब तक किया है और आपको बताऊं कि सुबह कंपाउंड की जो इवेंट हुई तीरंदाजी में उसमें जो है भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति सुरेखा और उसके बाद अदिति और परणीत जो है वहां पर ये तीन सदस्य थे भारत की महिला टीम में। सामने चीनी ताइपे की टीम थी, वो एक मजबूत टीम थी और ये मुकाबले में दिखा भी। दोनों ओर से जबरदस्त संघर्ष हुआ और अगर आप स्कोर देखें और जो परिणाम आया है उसको आप देखें तो भारत ने 230-229 अंक से जो है ये गोल्ड मेडल जीता है, मतलब सिर्फ एक अंक का फासला रहा और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनी ताइपे ने किस तरह की जो प्रतिस्पर्धा की है भारतीय महिला टीम के साथ। आपको बता दूं कि एक समय 171-171 पर दोनों टीमें जो है वो बराबर पर थी। यहीं पर क्या होता है कि परफेक्ट 10 चीनी ताइपे लेके जाता है लेकिन भारतीय टीम दबाव में नहीं आती और वहां पर वो निखरती है और तीनों ही जो है परफेक्ट 10 लगा देते हैं। फिर स्कोर पहुंच जाता है 200-200 पर और यहां पर जो भारत के तीनों ही खिलाड़ी हैं ये 10-10-10 मार देते हैं तो ये 230 पहुंच जाते हैं, जबकि चीनी ताइपे इस दबाव में बिखर जाता है और उसका पहला ही शॉट 9 का लगता है और वहीं पर तय हो जाता है कि गोल्ड मेडल भारत का हो गया। इसके बाद स्क्वैश की स्पर्धा होती है और वहां पर दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल के समय के सामने जो है मलेशियाई जोड़ी थी और ये मुकाबला भी काफी रोचक रहा। पहले गेम की हम बात करें तो मैच पॉइंट पर मलेशियाई जोड़ी थी, 2 मैच पॉइंट उनके पास था लेकिन वहां से भारतीय जोड़ी वापसी करती है और जो है वो गेम तो जीतती ही है, अगला गेम भी 11-10 से जीत लेती है और इसी के साथ स्वर्ण पदक भारत का हो जाता है। तो भारत जो है वो पहली बार एशियन गेम्स में जो है 20 पदकों के आंकड़े को छू चुका है तो अब 20s में भारत के गोल्ड मेडल कम से कम रहने वाले हैं इस एशियन गेम्स में और ये एक बड़ी उपलब्धि है। और पदकों की संख्या की हम बात करें तो वो भी अभी 80s में है और हम उम्मीद करते हैं कि जब एशियन गेम्स संपन्न होगा उस समय तक भारत का जो लक्ष्य है 100 पदकों का वो हासिल हो जाएगा। तो फिलहाल हम भारत की महिला तीरंदाजी टीम को कंपाउंड इवेंट की ज्योति सुरेखा अदिति और परणीत को और स्क्वैश की जो जोड़ी थी हरिंदर पाल और दीपिका पल्लिकल की इन सभी को उनके स्वर्ण पदक के लिए ढेरों बधाई देते हैं। बधाई आप सभी को भी और हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत है वो एशियन गेम्स में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन इसी तरह जारी रखेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।